वेलकम टू इजी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों आज हम जो है आइसोकोरिक प्रोसेस की स्टडी करने वाले हैं। तो आइसो का मीनिंग होता है सेम और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक का मीनिंग हुआ है सेम वॉल्यूम यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान सिस्टम का जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट रहता है, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए आपको डेफिनेशन क्या लिखना है एग्ज़ाम में देखिए। इट इज़ ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, ड्यूरिंग द चेंज। ये चेंज फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, अ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन ए क्लोज्ड कंटेनर। कंटेनर कैसा है बच्चों, क्लोज्ड है, बंद है, इज आइसोकोरिक प्रोसेस। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा वी का मतलब क्या है बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सपोज़ यहाँ एक ये सिलेंडर रखा हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है और यहाँ पर दो अलग अलग गैसेस मौजूद है, ए और बी नाम की गैस है और इनके बीच आपस में रिएक्शन हो रही है। ये ए और बी जो दो गैस है और इनके बीच में रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन जब हो रही है तो ये सिलेंडर क्लोज्ड है, तो इसका वॉल्यूम फिक्स है बच्चों सिलेंडर का। तो यहाँ पर गैस का वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि गैसियस रिएक्शन इन क्लोज्ड कंटेनर, ये भी आइसोकोरिक प्रोसेस की एग्जाम्पल है। या सेकेंड एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन क्लोज्ड कंटेनर। यहाँ पर एक कंटेनर हम कंसीडर करते हैं और उसमें ए और बी नाम के दो सब्सटेंस मौजूद है और उनके बीच आपस में रिएक्शन हो रही है और ये कंटेनर ढका हुआ है, इस पर जो है यहाँ पर हमने ढक्कन ढाक दिया है। तो ये कंटेनर कैसा हो गया बच्चों, क्लोज्ड कंटेनर हो गया। और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है अंदर, ये यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा और इसीलिए हम इसको आइसोकोरिक प्रोसेस कह सकेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पर एडियाबेटिक का क्या मीनिंग है हम ये देखेंगे। अ प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पर इस प्रोसेस में क्यू की वैल्यू ज़ीरो रहेगी क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हीट ना तो बाहर जा रही है, सिस्टम से बाहर भी नहीं जा रही है और सिस्टम के अंदर भी एंटर नहीं हो रही है, इसलिए चेंज इन हीट नहीं हो रहा है। और चेंज इन हीट के लिए यहाँ पर सिंबल क्या लिया गया है, क्यू, जिसकी वैल्यू ज़ीरो है। आगे क्या लिखा है बच्चों, इन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। यहाँ पर ये इंसुलेटेड वर्ड इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों से बिल्कुल एक दूसरे से अलाइदा सेपरेट है। सिस्टम ये बिल्कुल ही अलग थलग है, इसका सराउंडिंग से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द हीट इज रिलीज्ड विच राइजेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक होती है यानी जब हीट रिलीज होगी, हीट बाहर जाएगी, तब हीट बाहर मतलब सराउंडिंग में तो नहीं जा सकती है, तो बाहर मतलब सिस्टम के अंदर ही रहेगी और जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आगे क्या लिखा है, इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस एंडोथर्मिक है यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो फिर क्या होगा, द टेम्परेचर फॉल्स। जब सिस्टम के जरिए हीट एब्जॉर्ब होगी तो ये हीट कहाँ से आएगी बच्चों, बाहर से, सराउंडिंग में से तो बिल्कुल नहीं आएगी, तो ये सिस्टम के अंदर की हीट एब्जॉर्ब होगी,
जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। बच्चों जब टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ये टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, जब टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ पर देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो चेंज इन हीट जो है वो कितनी रहेगी, ज़ीरो रहेगी, यानी यहाँ पर कोई चेंज इन हीट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो डेल्टा टी की वैल्यू हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। और थर्ड पॉइंट हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि इंटरनल एनर्जी ये टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसका सिंबल क्या है बच्चों, डेल्टा यू, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। बच्चों मैं और एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा। सपोज़ हम यहाँ पर ये थर्मास फ्लास्क ले लेते हैं। आपको पता है कि थर्मास फ्लास्क जो है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये इंसुलेटेड होता है और ये डबल लेयर है। ये यहाँ पर आउटर वॉल है और ये वाली इनर वॉल है। ठीक है, तो आउटर वॉल और इनर वॉल, तो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है और बीच में यहाँ पर इंसुलेशन किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर अब इसके अंदर आप ऐसे सपोज कीजिए कि एक केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम यहाँ पर ये जो दो सब्सटेंसेस है, सब्सटेंस ए और बी, उनके बीच आपस में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। ओके, और बच्चों यहाँ पर सिस्टम ये इंसुलेटेड होने की वजह से ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये पार्ट भी सिस्टम का ही हिस्सा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर ये कंटेनर क्लोज्ड है और इंसुलेटेड है। तो सपोज़ कीजिए कि ये जो प्रोसेस है अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होने के बाद वो कहाँ जाएगी, सिस्टम में ही रहेगी। यहाँ पर हीट को हम यहाँ पर सिंबल क्यू से डिनोट करेंगे, तो ये हीट यहाँ पर रिलीज़ होगी और हीट रिलीज़ होने के बाद यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा पूरे सिस्टम का। ठीक है, और अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, और हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो हीट कहाँ से आएगी, बाहर से, सराउंडिंग में से तो नहीं आएगी, तो ये सिस्टम के अंदर की हीट रहेगी इतने हिस्से की, जिसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।